गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप यू आर ऑल सेफ एट होम एंड एंजॉयिंग ट्रेडिंग। सो हमने कुछ दिन का ब्रेक दिया था बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोग प्रैक्टिस कर सके जो प्रीवियस में हुआ है, और आई एम हैप्पी दैट कि सम ऑफ गाइस आर डूइंग गुड इन दैट बिकॉज दे आर इन टच विथ मी, और इवन कि इवन इफ समटाइम्स कि वो मुझसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करके मुझे बता देते हैं, and this is very good, and they make the some even good money also. I just forget the name, but he's an our Aryan messenger, so he's in touch with me on the Aryan messenger, so and very well, he's doing very good from the last जिसमें जो हमने discuss करा था last previous session में जो pattern discuss करा था उसके according उन्होंने 15 मिनट्स में इंट्राडे में काफी अच्छे पैटर्न उन्होंने फाइंड आउट करके उस पर ट्रेडिंग करी एंड इज एंजॉयिंग दैट। होप यू आर आल्सो डूइंग सेम। सो अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपको करूँ, अगर आप कुछ लोग अगर जो हमारी टेलीग्राम लिंक चैनल चलती है, अगर आप उसमें से कुछ लोग अगर टेलीग्राम लिंक चैनल पे नहीं है तो आप प्लीज मुझे बोले तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। सो आप लोग सब है हमारे टेलीग्राम लिंक पे? एवरीवन इज देयर ऑन द टेलीग्राम लिंक चैनल पे? ओके, वेरी गुड। ओके, कुछ अगर कोई नहीं है तो प्लीज आप वो मुझे बोल सकते हैं तो आई विल शेयर द लिंक। इवन आप आपके क्लाइंट्स को भी आप शेयर कर सकते हैं लिंक, तो दे विल आल्सो दे कैन आल्सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक। ओके ओके, समवन इज सेइंग दैट ही ओके, लेट मी शेयर दैट लिंक, बट उसके लिए आपके पास टेलीग्राम होना कंपलसरी, सो प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऑल्सो। ओके टेलीग्राम लिंक चैनल आर्यन इक्विटी करेंसी कमोडिटीज पोजिशनल, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें सो यू विल बी गेट दैट चैनल। ओके तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन आई विल टेक टुडे टू पैटर्न्स, और उसमें से एक पैटर्न जो अभी वापिस मैं इसी पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको बेनिफिशियल दे। तो अभी जो दो पैटर्न हमें आज अपन डिस्कस करने वाले, उसमें से एक पैटर्न काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको बिकॉज मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड से थोड़ा सा आप आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप वो पैटर्न ध्यान से देखेंगे सुनेंगे सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर क्लाइंट ऑल्सो। ओके so we'll start now. Wedge, now there is a technical terminology wedge, there is a two type of wedge, hum is pe baat karenge. The wedge is a price pattern market by the confirming the trend lines on a price chart. Okay, jo pattern banta hai ye trend line se banta hai price chart ke upar. First of all aapko dekhna hoga the two trend lines are drawn connect the respective highs and the low as of a price series over a course of the 10 to 15 days. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट 10 टू 50 डे का उसमें पीरियड होना चाहिए, मतलब ये इट इज नॉट सो मच यूजफुल फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग और समथिंग लाइक दिस। ओके, इट इज यूजफुल फॉर द डेली चार्ट और सम पोजिशनल ट्रेड, इट इज लेस यूजफुल, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं यूजफुल नहीं है इंट्राडे के लिए, बट इट इज लेस यूजफुल कंपेयर टू द पोजिशनल ट्रेड, तो ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए यूजफुल रहेगा। द लाइन शो दैट द हाई एंड द लोज आर आइदर राइजिंग और द फॉलिंग डिफरेंट रेट गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द वेज एज द लाइन अप्रोच टू द कन्वर्जेंस। ओके, वेज शेप ट्रेंड लाइन्स आर कंसिडर द यूजफुल इंडिकेटर फॉर द पोटेंशियल रिवर्सल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि ये पैटर्न अभी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, इसलिए मैंने ये चूज करा है बिकॉज कि इनमें पोटेंशियल रिवर्सल पे आप ट्रेंड कर सकते हैं, और अभी मार्केट में आपको रिवर्सल मिल रहे हैं देखने को, और किसी स्टॉक में अगर हमको ये रिवर्सल मिल गया तो यू विल गेट गुड अमाउंट इन द पोजिशनल ट्रेड एंड योर क्लाइंट विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट पैटर्न। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
The wedge pattern can signal either bull or bearish price reversal. In either case, this pattern holds the three common characteristics: the convergent trend lines, the pattern of the declining volume as the price progresses through the pattern. अब ध्यान से सुने, ये सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, पैटर्न ऑफ द डिक्लाइन वॉल्यूम एज द प्राइस प्रोग्रेस थ्रू द पैटर्न. जैसे जैसे पैटर्न बनेगा, जो जिस जिस चार्ट पे बन रहा है, जिस भी चार्ट पे बन रहा है, उसमें वॉल्यूम डिक्लाइन होता जाएगा. ओके, ब्रेकआउट फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट आएगा आइदर अपसाइड और डाउन साइड. ओके, सो देयर इज द राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज. आप नोट डाउन कर ले, राइजिंग वेज एंड द फॉलिंग वेज. Rising wedge is the signal for the bearish reversal and the falling wedge is the signal of bullish reversal. Okay? Have you any doubt? Any doubt, anyone? Anyone has any doubt in this right now? Okay. Good. So now we'll move to the rising wedge. First of all, this is the rising wedge. They usually occur when a security price has been rising over time. Jaisa ki isme indicator rising wedge. They usually occur when the price has been rising over a time. Jab kafi time se apna price continue rise mein hai, tab ye pattern aapko milega. But it can also occur in the mid of the downtrend as well. Rising wedge pattern indicate the more likely potential of the falling price after breakout of the lower trend line. Okay, इसमें क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा rising wedge. जब उसमें lower trend line का breakout down होगा, तब ये pattern correct होगा. और इसमें आपको भी बहुत अच्छा example latest कारण से हमारा उस पर call भी था, और उसके कारण उसके बाद में कितना बड़ा fall आया उसके अंदर आप ये देखेगा. Trader can make bearish trade after the breakout by the selling the security short. जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन होता है, इसमें आप या तो सिक्योरिटी आपकी शॉर्ट करें, या एटलीस्ट आपकी जो पोजीशन है उसका उसमें से निकल जाए लॉन्ग में, या एटलीस्ट उसमें लॉन्ग पोजीशन आपकी नहीं बनाए. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द राइजिंग वेज. प्लीज टेक दिस पिक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ राइजिंग वेज. यू कैन समवन सेइंग मे दैट कैन नॉट हियर मी. एवरीवन कैन हियर मी right now? Everyone can hear me? My voice is audible? Yes. Okay. Please, आप क्या थोड़ा सा माइक चेक कर ले आकाश जी. आई थिंक आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, सो प्लीज यू चेक इट फ्रॉम योर साइड. ओके, सो दिस इज द राइजिंग वेज जो निफ्टी स्पॉट में, अगर आपके पास आपके पास चार्ट है तो आप ओपन करें, मैं आपको बताऊंगा. और अब से मैं आपको सिर्फ नया एग्जांपल नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या होता है कि मैं आपको नया एग्जांपल बता देता हूं और फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते. सो नाउ अब जो भी मैं यहां पे दिखाऊंगा उसी को मैं चार्ट पे दिखाऊंगा. फ्रॉम फॉर द न्यू एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड. ओके, ये आप लोगों के लिए, आप कुछ भी बोल ले, पनिशमेंट है या जो भी है, बट प्लीज आप इसको एटलीस्ट आप खुद ही फाइंड आउट करेंगे नए पैटर्न. और जो मैंने पैटर्न फाइंड आउट करा के यहाँ पे दिखाया है आपको लेटेस्ट में, मैं उस पर डिस्कस करेंगे. फिर आप खुद पैटर्न फाइंड आउट करके जब अपना नेक्स्ट सेशन देगा तब आप उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जो भी फाइंड आउट करेगा पैटर्न उसके बारे में. ओके, और यू कैन ईमेल मी ऑल्सो, और यू कैन इवन टच विथ मी पर्सनल. ओके, सो प्लीज नाउ दिस इज आई विल शो यू द राइजिंग वेज. आप यू कैन सी दिस माय चार्ट, यू कैन सी दिस माय चार्ट सॉफ्टवेयर पे, ऑन द सॉफ्टवेयर यू कैन सी. ओके, दिस इज द निफ्टी स्पॉट, दिस इज द डेली चार्ट एंड दिस इज द मंथली चार्ट. आई विल शो यू मैंने सब, आप देखिए यहाँ से सब निकाल दी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल लाइन यहाँ पे आगे ये लाइन आप देखेंगे, इस लाइन को कभी भी इसमें निकाल नहीं पाइए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी दिस आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लाइन, सी द फॉल इन द निफ्टी. और आप यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे टॉप बन रहा है. आप बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे टॉप बन रहा है, यहाँ पे निफ्टी का वॉल्यूम देख लीजिए आप, दिस इज द मंथली चार्ट। तो अकॉर्डिंग टू मंथली चार्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द वॉल्यूम, राइट? दिस इज नॉट द डेली चार्ट और दिस इज नॉट द वीकली चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। सो दिस अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट सी द वॉल्यूम, देयर इज अ लेस वॉल्यूम कंपेयर टू द यूजुअल वॉल्यूम होता है उसके कंपेयर टू लेस वॉल्यूम, राइट? और जब यहाँ पे गिरा हाईएस्ट वॉल्यूम सी दिस। सो ओके, इवन यू कैन फाइंड आउट दिस ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो, दिस इज द वीकली चार्ट, यू कैन सी दिस माई वीकली चार्ट, ओके यू कैन सी दिस माई वीकली चार्ट, दिस इज ये मैंने दो ऊपर ट्रेंड लाइन ली है, दो लो के नीचे मिला के यहाँ से ट्रेंड लाइन ली है। आफ्टर सी द ब्रेकडाउन सी दिस, यहाँ पे जब भी इसने ब्रेकडाउन किया 10,650 का सी द फॉल, राइट? सर आपका ऑडियो बहुत स्लो आ रहा है, एक्चुअली बहुत लो है। यहाँ 10,000 ये सी, नाउ यू कैन हियर मी एंड नाउ यू कैन सी दिस वीकली चार्ट, यस सर, नाउ यस। हाँ, so see this is the two top, you have to match this and then draw the trend line, fir aapko niche ke do low mila ke this see the fall after the breakdown of this 10,700 650 see the fall, okay, and see the volume, yahan pe volume pura down hota ja raha tha compared to the previous, dekhenge aap weekly chart mein, aur see the fall। सो गाइस ये आपको कब पैटर्न फाइंड आउट करना है, कभी आपको मिलेगा, व्हेन द सिक्योरिटी विल बी अपसाइड फ्रॉम द कंटिन्यू फ्रॉम द 10-15 डेज और मंथ और वीक, राइट? 2 week, 3 week, 4 week ये अपसाइड में मिलना था, राइट? दिस इज द रिवर्सल ऑफ द बुलिश रिवर्सल ट्रेंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जो कि अब पैटर्न आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अब आपको पैटर्न जो रहेगा वो बेनिफिशियल रहेगा। एनी क्वेश्चन इन दिस राइजिंग वेज राइट नाउ, एनी वन? इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ऑन द चार्ट, होप यू आर गेटिंग दिस पैटर्न वेरी इजी, मतलब आपको यू विल गेट दिस पैटर्न वेरी इजीली एंड इट विल बी वेरी आई कैचिंग पैटर्न, बट यू हैव टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन्स परफेक्टली, ओके? नाउ कम टू द फॉलिंग वेज, मैंने आपको अभी राइजिंग वेज बताया जो बुलिश रिवर्सल था, नाउ द फॉलिंग वेज, नाम एज अ नेम सजेस्ट द फॉलिंग वेज, ये आपको बियरिश रिवर्सल देगा, मतलब कि आपको बियरिश पैटर्न वहाँ पे फिनिश होता हुआ बुलिश में वो कन्वर्ट होगा। नाउ व्हेन अ सिक्योरिटी प्राइस हैज बीन फॉलिंग ओवर अ टाइम अ वेज पैटर्न कैन ऑफर जस्ट द ट्रेंड मेक इट द फाइनल डाउन ट्रेंड मूव, ओके? जब सिक्योरिटीज फॉलिंग हो रही है ओवर अ टाइम, मैंने आपको फिर बोला कि स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पैटर्न अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं दिस इज नॉट वेरी एज मच एज यूजफुल जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे हैं, जो पैटर्न जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे वो इंट्राडे चार्ट पे भी काम करते, बट दिस जो जो पैटर्न आज को हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्राडे चार्ट पे इतने काम नहीं करेंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न ऑन द डेली मंथली वीकली चार्ट पे, ओके? द ट्रेंड लाइन ड्रॉ अबोव द हाईज एंड द बिलो द लो ऑन द प्राइस चार्ट पैटर्न कैन कन्वर्ज द प्राइस स्लाइड लॉस लूज मोमेंटम एंड द बायर स्टेप इनटू द स्लो एंड रेट ऑन द डिक्लाइन, ओके? बिफोर द लाइन कवरेज द प्राइस में ब्रेकआउट अबव द अपर ट्रेंड लाइन। इसमें सिंपल, जब आप जब राइजिंग वेज में लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया था तब आपको करना है, इसमें कब करना है फॉलिंग वेज में जब अपर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप आइडेंटिफाई करेगा उसको। व्हेन द प्राइस ब्रेक द अपर ट्रेंड लाइन द सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिवर्स एंड ट्रेंड द हायर, ओके? सी दिस कंप्लीटली वाइस वर्सा है टू द राइजिंग वेज का, ओके? यू कैन सी दिस राइट, आई विल शो यू ऑन द ग्राफ ऑल्सो। वोल्टास वीकली चार्ट, आपको एक स्टीप फॉल मिलेगा, जहां पे मिलेगा दिस इज द वेरी स्टीप फॉल सीरीज, आपको स्टीप फॉल मिलेगा, स्टीप फॉल को आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है एंड यू विल गेट द ब्रेकआउट, ओके?
आपको जहां पे भी स्टिफ फॉल मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनेगा, स्टिफ फॉल जहां पे ही मिलेगा मतलब कि पैनिक सेलिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैनिक सेलिंग ओवर अ टाइम, कंटिन्यूस उस चार्ट में पैनिक सेलिंग रहेगी आपको जब भी ये फॉलिंग वेज मिलेगा, कंटिन्यूस इसमें पैनिक सेलिंग रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, सी दिस वॉल्यूम, यू कैन सी दिस वॉल्यूम, इतना हाईएस्ट वॉल्यूम आया जब ये ब्रेकआउट हुआ है, सी दिस, दिख रहा है अब आपको वॉल्यूम का लार्ज कैंडल दिख रहा है आपको, यू कैन एवरीवन कैन सी दिस, जब ये ब्रेकआउट आया था आप देखिए कितना लार्ज वॉल्यूम आया इसी कैंडल में एक दिन में, दिस इज द वीकली चार्ट, तो एक पूरे वीक में कितना लार्ज वॉल्यूम आया सी। सो क्या होगा कि जब भी स्टिफ फॉल होगा एंड यू गेट व्हेनेवर यू फाइंड आउट, सो विद दिस वॉल्यूम इट विल गिव यू द गुड मनी, दिस इज द फॉर द पोजिशनल ट्रेड। और अभी मैंने इसलिए आपको इतना जोर दे रहा हूँ, इतना ज्यादा इस पर प्रेशर दे रहा हूँ बिकॉज क्योंकि आपको पैटर्न मिलेंगे, जैसे प्रीवियस मैंने आपको राउंडिंग बॉटम ट्राइंगल्स ब्रेकआउट वगैरह बताया है, तो और ये लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, आई एम हैप्पी दैट मनी भी अर्न कर रहा हूँ उसके ऊपर। सो मैं फिर वापस आपको बोल रहा हूँ कि अभी फॉलिंग वेज अभी आप ढूंढेंगे तो यू विल गेट दिस पैटर्न एंड यू विल गेट द मनी, यू विल अर्न द मनी ऑल्सो। अच्छा दिस इज बिकॉज ये अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, ओके राइट, दिस इज क्लियर एवरीवन, ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन ऑन दिस टू पैटर्न, एनी क्वेश्चन एनीवन, ओके। अच्छा ट्रायंगल, अच्छा मैं सिंपल में खुद ही रिवीजन करवाता हूँ आपका ट्रायंगल पैटर्न, इसमें से किस किसने अटेंड करे थे जब मैंने ट्रायंगल पैटर्न का अपन ने डिस्कशन करा था, ट्रायंगल पैटर्न जब अपन ने सेशन लिया था उसमें से किस किसने अटेंड करा था, यहाँ पे कोई है, ओके सो आई विल शो यू द वन चार्ट, ओके विदाउट, showing the triangle, now you identify this, इसमें triangle है कि तो है तो कौन सा है और कहाँ पे बन रहा है, तो इसने आंसर दिया तो आई विल बी हैप्पी। नाउ दिस इज द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू टाटा कंज्यूमर, नाउ एनी वन कैन रिप्लाई मी, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट आया है, गाइस गलत भी होगा सही भी होगा, आप प्लीज हेजिटेट ना हो, अगर कुछ भी दिख रहा है तो प्लीज बता, गलत सही में हेजिटेशन में इट विल बी या कोटक बैंक विल डिस्कस दैट, बट राइट नाउ अभी कौन सा ये बना है, yes some answer, I am getting some answer, yes yes, no this is the pattern, I am not asking the cup and handle right now, we are I am asking this that triangle breakout in this, kyunki last session mein humne triangle breakout kara tha aur ye isme cup and handle to aisa hai nahi, cup and handle bhi hum discuss karenge baad mein, but right now there is no cup and handle, प्लीज आपका किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, तो बिकॉज अदर को डिस्टर्ब ना हो तो प्लीज माइक आपके म्यूट कर लीजिए, यस आई एम गेटिंग द सम राइट आंसर, द असेंडिंग ट्रायंगल, यस वेरी गुड, दिस इज आई एम हैप्पी दैट पीपल आर डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड गेटिंग, सो दिस गाइस टाटा कंज्यूमर हैज गिवन द ब्रेकआउट, सो एंजॉय द ट्रेडिंग, I have given today one stock, but there is a only thing is that there is a volume is missing. So, अगर कल आपको volume मिले और trade के ऊपर start करे, अगर ये high के ऊपर काम करना start करे, तो you can do the trade, right? This is the daily chart. और even कि आज भी हमने Tata Consumer का option में call भी दिया था, अगर कोई यहाँ पे उसमें से किसने देखा होगा तो 340 का I think या 330 का ऐसा कुछ call भी दिया था हमने option में buying करने का. So, और ऑलमोस्ट वो आई थिंक 3 to 4 या 5 rupees उसमें मिला भी रिटर्न, तो सो गाइस सो प्लीज
दिस इज द वन स्टॉक, और खुद आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई करेंगे तो देट विल बी गुड. कोटक बैंक में समवन सीइंग मी द कोटक बैंक, या कोटक बैंक में अभी बन रहा है, देर इज नॉट अ कम्प्लीट. अगर आप ये डेली चार्ट में आप यहाँ से टॉप से यहाँ से मिलाएंगे ना, तो राइट नाउ देर इज नॉट अ कम्प्लीट ब्रेकआउट. अब जब भी ये ब्रेकआउट देगा सी कोटक बैंक में, आप नोट कर लीजिए 1225 का लेवल है. जब भी ये ब्रेकआउट आएगा डेली चार्ट में, यू कैन एंजॉय द अपसाइड मूव इन द कोटक बैंक. ओके, एटलीस्ट 50 to 80 रुपीज का अपसाइड में मूव आएगा कोटक बैंक में जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट देगा. ओके अच्छा, एक मैंने राउंडिंग बॉटम का आपको बहुत स्टार्टिंग में, मैंने जब हम कर रहे थे, जब मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन बताया था, उसका टारगेट दिया था, याद है किसी को? प्लीज आप म्यूट रखे थोड़ा सा आपकी तरफ से. ये दिस इज द स्टॉक, किसी को याद है जब राउंडिंग बॉटम का जब अटेंड करा था, जब इसमें से किसी ने अटेंड करा हो तो आप में से किसी ने, कौन सा स्टॉक का मैंने आपको दिया था, और टारगेट भी अगर किसी को याद हो तो. HDFC AMC का आई हैव गिवन यू सीधा, कब मैंने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करा था अपन ने, और उसके बाद में आई थिंक 2500 पे या 2480-50 पे कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करा था, और सीधा मूव आफ्टर दिस 2800. सी दिस नाउ SRF का भी मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन सेम डे, वो SRF का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 3225 पे, एंड सी द मूव आफ्टर दैट 3493 तक, और अभी भी उसने वो लो नहीं तोड़ा या ये पैटर्न फेल नहीं करा है, तो इसके चांस दैट कि ये यहाँ से 3511 के ऊपर निकले, तो देर इज अ वी कैन सी द अगेन द वेरी गुड मूव. तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप ये पैटर्न की प्रैक्टिस करें, जो भी आज आप दिखाए, आज जो भी डिस्कस करा अपन ने, एटलीस्ट ट्राई दिस. समवन सेइंग द मारुति में बन रहा है, लेट मी चेक. मारुति में अभी राउंडिंग एज सच नहीं बन रहा है, डेली में तो नहीं बन रहा है. आप चार्ट से अगर मुझे बताए तो ज्यादा बेटर, डेली में तो नहीं है राउंडिंग मारुति में. Okay guys, so any question as of now? Okay, so please आप graphite, तो this is a operating base है, so yes graphite है, HEG, there is a lot of जो भी script है, there बहुत सारे script अभी circuit लगा रही है 5% में, so अभी तो operator base चल रहा है, graphite हो रही है, तो हम इस बारे में बोल नहीं सकते कि उसमें कोई chart pattern नहीं है, ये पूरा सर्किट ही सर्किट है, तो चार्ट पैटर्न ये बजाज फाइनेंस में फॉलिंग वेज है, बजाज फाइनेंस में लेट्स सी अगर आपने आइडेंटिफाई करा है तो. नहीं अभी ब्रेकआउट, वी हैव टू वेट द ब्रेकआउट फॉर दिस राइट. यहाँ से तो ठीक है, देर इज अ स्टीप फॉल यहाँ पे ठीक है, बट द वी हैव टू यू वेट फॉर द ब्रेकआउट राइट. अभी इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है बजाज फाइनेंस में, इफ वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन जस्ट अ मिनट. इवन वी इफ वी टेक फ्रॉम दिस पीक ना, अभी आप देखिएगा कि अभी तो अपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट इसमें आया नहीं है राइट. अगर हम ये नीचे से भी यहाँ पे करें तो इट विल नॉट, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा सी दिस, ये कहाँ पे जा रही है, जो सेकेंड वाली जो लाइन है आप ये देखिए, ये ऐसी जा रही है, बट इसको भी ऐसा पैरेलल इसमें आना पड़ेगा राइट, पैरेलल ऐसा आना पड़ेगा, तब जाके फिर ये फॉलिंग वेज बनेगा, बट एज ऑफ नाउ देर इज नो फॉलिंग वेज पैटर्न. ठीक है, इसको भी पैरेलल ऐसे लाइन को आना पड़ेगा, ऐसा एक लाइन अलग उसमें जाएगी, एक लाइन उसमें जाएगी, तो ये वेज पैटर्न नहीं रहेगा. ओके ओके गाइस, आईसीआईसीआई बैंक में किसी ने व्यू पूछा है मेरे से, तो आईसीआईसीआई बैंक में आई थिंक एज ऑफ नाउ फंसा हुआ है रेंज में,
ऐसा कुछ उसमें इंटरेस्टिंग चार्ट नहीं है, डेली वीकली मंथली, तो अभी तो आई थिंक ऐसा कुछ बड़ा मूव उस पे अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वेट एंड वॉच थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें। जुबिलेंट फूड में भी रेंज फंसा हुआ अभी, अनलेस अनलेस अभी 1650 1660 के ऊपर नहीं निकले जब तक नई तेजी नहीं है इसमें, तो नई तेजी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको 1650 के ऊपर तक के लिए, तभी हमको कुछ नया इसमें देखा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत आएगी इसमें यहाँ पे, तो जब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। केडिला के लिए आई थिंक इसमें अटेंड करा होगा, उनको मैंने एग्जांपल बहुत पहले दिया था, इसका परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बन रहा था, इसमें काफी अच्छा मूव आया था, अब एक्चुअली काफी गैप अप हो चुका है, थोड़ा सा रुकेगा कंसोलिडेट करेगा, बट नीचे में वापस 300 के आसपास मिले तो अच्छी बाइंग अभी बनती हुई दिख रही है इसमें। यूट्यूब की लिंक आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे वीडियो, सो यू विल गेट दिस। जी एंटरटेनमेंट मद्दी का चार्ट है, अभी बड़ा है, बाकी जी एंटरटेनमेंट में ऐसा कुछ भी कुछ है नहीं इसमें विशेष, डेफिनेटली आज बड़ा है, बट देर इज एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा विशेष नहीं है, वॉल्यूम भी आज आया है, बट ओवरऑल पूरा मद्दी का ही चार्ट है ये। शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए प्ले करना था दैट यू कैन डू, बट जो ओवरऑल चार्ट है उसका भी थोड़ा सा मद्दी का ही चार्ट है। सन फार्मा अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, देर इज नो डाउट, इवन की सन फार्मा में हमने भी कॉल दिया था, अब आप देखिए सन फार्मा ना, अब आपने पूछा सन फार्मा सीधे, कोई मुझे बताया कौन सा पैटर्न है इसमें सन फार्मा में? एनीवन? सीरीज लाइव एग्जांपल मैंने आपको दी थी सन फार्मा, कौन सा पैटर्न बनाइए? सेलिंग वेज सर। विच पैटर्न दिस इज सर? सेलिंग वेज, फॉलिंग वेज। हाँ सर। हाँ सी दिस लाइव एग्जांपल आपको सन फार्मा का मिल गया डेली चार्ट में। नाउ व्हेनेवर यू सी द वॉल्यूम इन दिस स्टॉक ना, प्लीज डू ट्रेड, एटलीस्ट ये टॉप तक आना चाहिए इसको, 650 600 यहाँ तक एटलीस्ट इसको आना चाहिए। ओके, दिस इज द वीकली चार्ट, सॉरी दिस इज द वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू।